हेलो नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बच्चों को कर्सिव राइटिंग स्मॉल लेटर ए टू जेड कैसे सिखाना है और इसके लिए कौन कौन से सिंपल पैटर्न्स को पहले प्रैक्टिस करवाना है, उसके बाद किन किन अल्फ़ाबेट्स को सिखाना है, इसके बारे में हम बताएंगे। अब हम आपको स्मॉल लेटर इन कर्सिव लिखने के लिए नेक्स्ट पैटर्न के बारे में बताएंगे। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद हम कई सारे ऐसे स्मॉल लेटर्स हैं जिसको हम आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैटर्न को लिखना। जैसे हमने फोर लाइन की कॉपी लिया, थर्ड लाइन पर डॉट डाला और धीरे धीरे इसको यू पैटर्न की तरह लिखेंगे। ऐसे यू बनाते जाएंगे, अप डाउन इस तरीके से, और कोशिश करेंगे ये सेकंड और थर्ड लाइन पर ही टच करते हुए लिखें। सेकंड थर्ड लाइन को टच करें बार बार और पेंसिल को पॉइंटेड रखें ताकि आप आसानी से इस पैटर्न को लिख सकें। अब इससे रिलेटेड हम स्मॉल लेटर आई फॉर इंक पॉट लिखेंगे। तो हम इस तरह से फोर लाइन की कॉपी में थर्ड लाइन पर डॉट डालेंगे। पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद हम आई लेटर लिखेंगे। स्मॉल आई, थर्ड लाइन टू सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन से होते हुए थोड़ा सा उसको कर्व और फिर डॉट। बिना हाथ उठाए पहले लिखना, उसके बाद डॉट डालना। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में ए टू एच किस प्रकार से लिखना है इसके बारे में बताया। आज हम नेक्स्ट पैटर्न लेंगे, यू पैटर्न। तो उसमें हम कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स को बनाते हैं, जैसे आई, जे, यू, वी और डब्ल्यू, इस तरह से हम लिखना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आज हम आई पैटर्न को बनाएंगे कि हमें कैसे लिखना है। तो ये सबसे आसान पैटर्न होता है कर्सिव राइटिंग में। तो इसके लिए हम दोबारा हम थर्ड लाइन पर ये डॉट डालेंगे इस तरीके से, और ये सबसे आसान लेटर होता है कर्सिव राइटिंग का। तो थर्ड लाइन पर डॉट डालकर हम इसको, इस डॉटेड लाइन को सेकंड लाइन पर ले जाएंगे, फिर वापस थर्ड लाइन पर ले जाते हुए थोड़ा सा कर्व करेंगे, फिर एक डॉट डालेंगे। तो ये बिना हाथ उठाए इस बीच के दो लाइंस पर ही हमें लिखना है, और ये बन गया हमारा आई फॉर इंक पॉट इस तरीके से। बहुत आसान है ये आई कर्सिव राइटिंग में लिखना। तो सबसे पहले हमें पैटर्न्स को अच्छी तरीके से समझना है। जब हमारे पैटर्न में हाथ बैठ जाएगा तो ये अल्फ़ाबेट्स भी आसानी से बन जाएंगे। देखो, थर्ड लाइन पर डॉट डालना है, देन सेकेंड लाइन, फिर वापस थर्ड लाइन पर आकर थोड़ा सा ऊपर ले जाकर एक डॉट। अब देखो ब्लैंक में कैसे लिखना है, ऐसे करके थर्ड लाइन पर पेंसिल रखनी है, देन सेकेंड लाइन, देन वापस थर्ड लाइन पे होते हुए थोड़ा सा कर्व करते करके एक बिंदी लगानी है ऐसे, इस तरीके से ये आसानी से बन जाएगा आई फॉर इंक पॉट। तो सबसे पहले हमें पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है, जो अभी ब्लैक बोर्ड पर कैसे सिखाया उसी तरीके से हमें ये आई बनाना भी सीखना, और ये बहुत ही आसान होता है ये आई बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें।